नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूं आकाश। आज सावन का अंतिम सोमवार है। भगवान भोलेनाथ के शिवालयों में बहुत ज्यादा लंबी कतारों में भीड़ देखने के लिए मिल रही है। ऐसा माना जाता है कि सावन के सोमवार का महत्व काफी ज्यादा होता है। जो सच्चे मन से इस सोमवार को, यानी कि सावन के किसी भी सोमवार को भोलेनाथ का दीदार करता है, तो उसकी जिंदगी के सारे कलेश भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। क्योंकि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ के नाम बताया गया है। भगवान भोलेनाथ इस महीने में मनचाही सफलता, मनचाहा लाभ भी अपने भक्तों को जरूर देते हैं। इस सावन के अंतिम सोमवार पर भोलेनाथ की सीधी कृपा दृष्टि तीन राशियों के जातकों के ऊपर पड़ चुकी है, जिसके बाद इनकी जिंदगी में हर वो खुशी इनको आसानी के साथ प्राप्त हो जाएगी, जिसका बहुत लंबे समय से ये इंतजार करते हुए नजर आ रहे थे। क्योंकि अब भोलेनाथ यानी कि महाकाल इनको अपने जीवन में बहुत कुछ आसानी के साथ हासिल भी करा देंगे। लंबे समय से चली आ रही बीमारी भी इनकी अब छूमंतर होती हुई दिखाई देगी, यानी कि सेहत को लेकर अगर बात की जाए तो सेहत में काफ़ी कुछ बदलाव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके बाद खुशियां भी अपार तरीके से दस्तक देंगी। जो लोग किसी रोजगार की तलाश में हैं, उनकी रोजगार भी ज़रूर पूरा होता हुआ दिखाई पड़ेगा, यानी कि उनको किसी बड़ी कंपनी से, बड़ी जगह से कोई बड़ा अच्छा ऑफर मिल सकता है, जिसके बाद ये खुशी अपनी जिंदगी के हर लम्हे को जीते हुए नजर आएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर कौन सी वो तीन राशियां हैं जिनके ऊपर भगवान भोलेनाथ महाकाल की सीधी कृपा दृष्टि पड़ चुकी है और इनका उद्धार भी हमेशा हमेशा के लिए होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वो राशि हैं सिंह, मकर और वृषभ राशि। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए, बने रहिए नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल के साथ। नमस्कार।